गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा के जीवन में हिंदी और हमारा पाठ है जोड़कर शब्द बनाइए। बच्चों, आज हम इस पाठ में जोड़ करके शब्द कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है, इसे आप देखिए, ये है क, ये क्या है स, और ये क्या है र, और ये क्या है त। ये जो वर्ण है ना, यहाँ अलग अलग है, अब आपको इसे ही जोड़ना है, ठीक है। इन चारों को आपको जोड़ करके और एक साथ लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क, तो हम यहाँ सबसे पहले क लिख देंगे, ये क्या है स, यहाँ स लिख देंगे, ये क्या है र, यहाँ र लिख देंगे, और ये क्या है त। क्या हो गया, कसरत। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो वर्ण है अलग अलग थे, अब हम इन्हें क्या कर दिए, एक साथ यहाँ लिख दिए, तो इसे ही हम कहते हैं जोड़ना, जोड़ करके शब्द बनाना, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, ये है न, ये क्या है ट, ये क्या है ख, और ये क्या है ट। यहाँ पे भी ये जो वर्ण है आप देख रहे हैं अलग अलग है, ठीक है, तो हमें इन्हें जोड़ना है। तो पहले लिखेंगे, सबसे पहले आप देखिए क्या है, न है, तो सबसे पहले हम यहाँ न लिख देंगे, उसके बाद क्या है ट है, तो यहाँ ट लिख देंगे, उसके बाद क्या है ख है, तो यहाँ ख लिख देंगे। अब देखिए ये क्या है, ये है ट, तो इसे भी हम लिख देंगे, क्या हो गया नट खट हो गया ना। यहाँ देखिए हम लोग एक साथ इसे लिख रहे हैं, यानी इसे हम लोग जोड़ करके एक शब्द बना रहे हैं, और यहाँ जो है ये अलग अलग है, तो इसे हम लोग शब्द नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग वर्ण कहेंगे, क्योंकि ये अलग अलग है। जब हम किसी भी वर्णों को जोड़ करके अगर हम एक साथ लिख देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। समझ में आया, आइए थर्ड नंबर देखते हैं, ये क्या है ब, ये र, त, न, यहाँ पर भी अलग अलग है, इन्हें हम लिखेंगे एक साथ जोड़ करके। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या है, ब है, आप देख रहे हैं यहाँ ब लिखेंगे, उसके बाद क्या है र है, तो यहाँ र लिखेंगे, उसके बाद देखिए क्या है त है, तो यहाँ त लिखेंगे, उसके बाद देखिए न है, ठीक है। यहाँ हम एक शब्द बना दिए, तो क्या हो गया ये ब र त न, यानी बर्तन, ठीक है। तो आपको भी बच्चों, जैसे मैं आपको तीन ठो यहाँ करके बताई हूँ ना, आपको ये तीन को आपको खुद से करना है। चलिए अब आप इसे कंप्लीट कीजिए, ये है आज का आपका होमवर्क। थैंक यू।